हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। अब से थोड़ी देर पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ किया था, जिसमें आपको बोला गया था कि फाइनल आंसर कीज आ गई हैं, आप 9:30 के बाद अभी 23 मार्च 2019 को 9:30 बजे के बाद चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको उसमें बोला गया है कि 6 अप्रैल 2019 से पहले पहले रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, और उसमें बोला गया है कि भैया नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है पार्ट ए पार्ट बी में, और इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि 16 अप्रैल 2019 को आपका साइको टेस्ट कराया जाएगा। अब सवाल उठता है कि साइको टेस्ट आखिर क्या होता है, हमें इसकी कैसे तैयारी करनी है, क्या हमें कोई कोचिंग ज्वाइन करनी होगी, क्या करना होगा? तो देखो भैया, सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए तो आप करो। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट को, किसी को भी। आपको लगता है आपको करना चाहिए तो आप करो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग तो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं ज्वाइन करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ मैं तरीका बता दे रहा हूँ कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है। देखिए, इसमें ये क्यों कराया जाता है, ये इसलिए कराया जाता है, आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है, मतलब कि आप कैसा सोचते हैं, कितनी जल्दी सोचते हैं, किसी एक्शन पर आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, करेक्ट वे में करते हैं कि नहीं करते हैं। और मान लीजिए कि सपोज़ आपकी पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तब आप उस सिचुएशन पे कैसे उस सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि कोई बुरी से बुरी भी सिचुएशन आ जाती है तो आप उसको कितनी आसानी से हैंडल कर लेते हैं, बस इसीलिए आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और कुछ नहीं है, सिर्फ इसीलिए होता है। मेमोरी चेक करी जाती है आपका, कैसा मेमोरी, शार्प मेमोरी है कि नहीं है, कितनी जल्दी आप किसी चीज़ को याद कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए आपका यह साइको टेस्ट कराया जाता है। अब इसमें 5 टाइप होते हैं, एक होता है मेमोरी टेस्ट, दूसरा होता है आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा होता है आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, चौथा होता है कंसंट्रेशन टेस्ट, और पांचवा होता है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। अब इसमें क्या है, देखिए ये जो 5 टाइप मैंने आपको बताए अभी, इन 5ों टाइप में मैं हर एक टाइप का 2-2, 3-3 आपको सामने यहाँ पर वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। हर एक टाइप का मेमोरी टेस्ट है उसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है उसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है उसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंसंट्रेशन टेस्ट है उसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है उसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैंने आपको एक PDF दिया हुआ है, जो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ इसी का PDF है वो, आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद उनको सॉल्व कर लीजिएगा घर पर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको आंसर यहाँ पर कमेंट करके हमें बताने हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप उसको सिर्फ सॉल्व कर लीजिएगा, और उसके आंसर्स भी मैंने दिए हैं। अब बात आती है कि जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, आपको और प्रैक्टिस करनी है। अब बात आती है कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो भैया मैं आपको बता दे रहा हूँ, मार्केट में किताब आती है, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है कौन सी किताब है, आई थिंक 132 या 135 रुपये की कुछ ऐसी किताब आती है, RRB ALP साइको टेस्ट, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन की किताब है वो, उसमें सिर्फ साइको टेस्ट के ही क्वेश्चन दिए हैं। आप वो किताब खरीद लीजिए, 135 रुपये की शायद किताब है, बाहर मार्केट में आपको मिल जाएगी, आप वो किताब खरीद लीजिए, और उसमें मैं आपको कमेंट में बता दूंगा क्या नाम है उस किताब का, मैं आपको बता दूंगा, और उसमें जो है सिर्फ आपको साइको टेस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए। अभी आपको हो सकता है कि साइको टेस्ट बहुत कठिन लग रहा होगा, डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, वीडियो देखने के बाद सारा डर आपका ख़त्म हो जाएगा, जो भी साइको टेस्ट है आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान होता है साइको टेस्ट। तो आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह जो भी हो आपके पास आप बुक परचेज कर लीजिए, वहाँ से सॉल्व करिए। और अगर कोई आपकी समस्या है साइको टेस्ट को लेकर, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। दूसरा होता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, चौथा होता है कंसंट्रेशन टेस्ट, पाँचवा होता है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। ठीक है, अब ये जो 5ों टाइप हैं, इन 5ों टाइप को हम आपसे क्वेश्चंस कराएंगे, और इन्हीं पर बेस्ड हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे, उसके आंसर्स हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, पहला आता है मेमोरी टेस्ट, 1st टाइप है ये। देखिए, अब सेम ऐसे ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा, ये आपका टेस्ट होगा, 5 सेकेंड 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा, उसके बाद ये स्क्रीन यहाँ से गायब होगा, स्क्रीन गायब होगा, फिर ऐसा आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा, बताओ भैया फर्स्ट का आंसर क्या है। अब 5 सेकंड के लिए आपने देखा कि नहीं देखा, नहीं देखा होगा तो चलिए ध्यान से अच्छे से थोड़ी देर के लिए वीडियो देखिए इसको। अब आ गया ये आपका क्वेश्चन, अब पूछेगा भैया बताओ पहला वाला ब्लॉक कहाँ पर रखा था। तो अगर आपने उस वीडियो को 5 सेकंड के लिए देखा, इसके पहले वाला स्लाइड को, तो आप फटाक से आंसर कर देंगे, 1st वाला
जो ये ब्लॉक था ये कहाँ पर रखा हुआ था? अगर ध्यान हो आपको तो आपने देखा होगा यहाँ पर रखा हुआ था। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ए। सेकेंड वाला जो ये है ये हट, ये कहाँ पर रखा हुआ था? याद होगा आपको ये यहाँ पर रखा हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। थर्ड वाला ब्लॉक कहाँ रखा हुआ था? ये वाला हट, ये यहाँ पर रखा हुआ था बी वाले ब्लॉक में, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। एक बार चेक करा देते हैं आपको, देख लीजिए यहाँ पर ए लिखा हुआ था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर बी था और यही हमारा आंसर था। तो इसी तरह का आपके सामने क्वेश्चन आएंगे 10 सेकेंड, या हो सकता है कि 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए भी आपके स्क्रीन पर इस तरह का शो करेगा, 2 मिनट के बाद गायब हो जाएगा, उसके बाद आपको आंसर करना होगा। अब देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब कि ऐसा है कि 2 से 3 फिगर हैं तो ये हर कोई आसानी से कर सकता है, पर वहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वहाँ हो सकता है 10 फिगर दिए हों, 15 फिगर दिए हों, 20 फिगर दिए हों, 25 फिगर दिए हों, तब आप क्या करेंगे? तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिएगा, वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेशन बस अच्छे से रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अभी मैंने यहाँ पर आपको सामने जो 2 फिगर दिख रहे हैं ये मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर आपको दोनों फिगर एक साथ नहीं मिलेंगे, वहाँ पर ये लेफ्ट में जो लिखा है, लेफ्ट लिखा है ये पहले आएगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, हो सकता है 50 सेकेंड हो सकता है 90 सेकेंड हो सकता है 2 मिनट हो, उसके बाद ये वाला फिगर गायब होगा, उसके बाद ये जहाँ राइट लिखा हुआ ये वाला फिगर आपके सामने आ जाएगा और आपको करने होंगे, ये देखिए आप टोटल कितने फिगर बने हुए हैं यहाँ पर, 20 फिगर्स, इन 20 फिगर्स के आंसर्स आपको करने होंगे, हो सकता है टाइम आपको दिया जाए 2 मिनट, इसलिए बहुत कंसंट्रेट होके आपको एग्ज़ाम देना, इधर उधर ताका झुकी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा। अब इनको करने का तरीका क्या है, देखिए आप कोई भी एक रोड पकड़ लीजिए, इस ब्लॉक में कोई भी एक रोड पकड़ लीजिए और अपने हिसाब से जो फिगर आप जिसको नाम देना चाहते हैं, कि आपने बोला कि हाँ इस रोड से हम चालू करते हैं, हम यहाँ इस ब्लॉक से चालू करते हैं, ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं ना ये ब्लॉक, ये सेम चीज़ यहाँ पर बनी हुई है, ये जो ब्लॉक बना हुआ है ये इसी के अंदर ये सारे फिगर हैं जो आपको लेफ्ट में दिख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने बोला कि हम यहाँ से शुरू करते हैं, कोई भी एक रोड पकड़ लीजिए, आपको यहाँ से शुरू करना है नीचे से तो आप यहाँ से शुरू करिए, लेकिन एक तरफ से चलिए तो आपको आसानी रहेगी, सारे सारे फिगर आपको याद रहेंगे। अब यहाँ से आपने बोला चलो हम घुसते हैं लेफ्ट में, भैया हमारा ये पड़ा, आपको याद हो गया, राइट में आपने बोल दिया कि चलो राइट में हमारा येलो था, और ध्यान रखिएगा कहाँ पर था, इस ब्लॉक में नहीं है, इस वाले ब्लॉक में है, मतलब कि सेकेंड ब्लॉक में, इसके बाद और राइट में आए तो हमने देखा कि कुछ इस तरह का फिगर था, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, देख सकते हैं चर्च के शेप में कुछ बना हुआ है तो आप इसको चर्च का नाम दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको आप अपना खुद का नाम दे सकते हैं, ये जो भी फिगर्स हैं कुछ भी नाम आप इसको दे दीजिए, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप जिस तरह से आपको याद रहे आप इसको वो नाम दे दीजिए, ठीक है। और फिगर को ज़रूर याद रखिएगा कि फिगर कौन सा है, नाम देने से नहीं होता, नाम दे दिया लेकिन पता चला जब क्वेश्चन आया तब आप भूल गए, तो आपको फिगर भी याद रखना है, आप इसको नाम दे दीजिए, ब्लैक दे दीजिए, डार्क ब्लैक दे दीजिए और फिगर याद कर लीजिए, फिर राइट में देखिए यहाँ पर येलो है इसको येलो दे दीजिए, फिर राइट में देखिए यहाँ पर देखिए कुछ ब्राउन शेप में है, फिर यहाँ पर देखिए लाइट ब्लू में है, तो इस तरह से ये 4 फिगर आपको याद हो गए। फिर आगे बढ़िए, फिर आगे देखिए कौन सा ब्लॉक है, अब यहाँ पर देखिए किस, अब ये आपको लग रहा है कुछ एलिफेंट के शेप में है तो इसको एलिफेंट के शेप का नाम दे दीजिए, यहाँ पर देखिए आप इसको कोन का नाम दे सकते हैं या आइसक्रीम का नाम दे सकते हैं, आइसक्रीम के शेप में फिगर है तो इसको आपको आसानी से याद रहेगा, यहाँ पर देखिए आप इसको कुछ और नाम दे सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे, आपको लग रहा है कि हाँ कुएं के शेप में है, वेल के शेप में है तो आप इसको वो नाम दे सकते हैं, इसको आप कुछ, इसको आप क्रिसमस ट्री का नाम दे सकते हैं, इसको आप कोन का नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा था ना यहाँ पर कोन क्या है बोल दीजिए, कुछ भी सोच लीजिए, कोन के साथ एक हेड लगा हुआ है, यहाँ पर सिंपल कोन है और ये कोन है किसके अंदर, ये याद रखिएगा पेंटागन के अंदर है, तो आपको इस तरह से याद रहेगा, फिगर आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। ये देखिए ये वाला जो है ये याद रखिए कि ये स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, ठीक है समझ गए। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन पर, अब ये पहला फिगर आपके सामने बना हुआ है, अब आप जैसे ही घुसे आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने कहा हम यहाँ से घुसे तो ये तो हमको यहीं पर मिला था ए वाले में, तो बस फटाक से आंसर मारिए ए, और जो जो और ऐसा नहीं है कि अब आप सेकंड वाले को याद कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने बताया आप घुसे एक एक आपको फिगर याद करने, किस ब्लॉक में कहाँ रखा है, और एक तरफ से घुसिए, ऐसा नहीं कि पहले यहाँ वाले याद किए दो फिर आप इधर आ गए फिर इधर आ गए फिर आप इधर चले गए तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, एक तरफ से बढ़ते चलिए एक एक फिगर याद करते चलिए। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा क्वेश्चन आया आपके सामने ये, तो आपने फर्स्ट वाले को आपको देखा अरे ये तो घुसते ही पड़ा था, अब सेकंड वाले को आप कह रहे हैं अरे ये कहाँ गया, तो नहीं सेकंड वाले को मत करिए, आप वो करते रहिए जो आपको दिखे थे जो आपको याद है, आपको मालूम है कि भैया हमको
ये जो मिला था हमारा कोन, ये हमें पेंटागन में मिला था, यहाँ पर था, तो इसके आगे सी लिखिए। जो जो आपने याद कर लिए, जैसे ये आपने याद था, ये आपको पता था कि ये भैया हमें यहाँ मिला था, घुसने के बाद यहाँ पर मिला था और यहाँ पर एक एलिफेंट के शेप में था, तो एलिफेंट वाला कहाँ पर बना हुआ आप देख सकते हैं, फोर्थ वाले में। तो इसके आगे आंसर करिए सी, और ये 18 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। क्रिसमस ट्री आपको देखा था, आपने कहाँ पर मिला था, इस जगह बना हुआ है क्रिसमस ट्री, तो क्रिसमस ट्री को याद करिए, आपने याद किया अरे ये तो यहाँ पर हमको मिला था, तो इसका आंसर करिए ई। ऐसे सीरियल वाइज मत करिएगा कि 1 2 3, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। जो जो आपको याद है पहले वो मारते जाइए, तुरंत फटाफट आंसर करते जाइए, आपको इतना टाइम नहीं होगा, और उसके बाद जो बचेंगे फिर उसके बाद आप सोचिए, फिर उसके बाद उसको आंसर करिए। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये जो आपके सामने आ रहा है आप इसको मत देखिए, अब ये आपके सामने एक्चुअल वही चीज़ है, वही फिगर है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, एक अपने साथ आपके पास अगर स्टॉप वॉच है तो ले लीजिए, टाइमर स्टार्ट करिए, और इसको कम से कम 50 सेकंड या 1 मिनट के लिए इस पूरे फिगर को देखिए। 1 मिनट के लिए वीडियो को आप चाहे तो पॉज कर लीजिए, इस पूरे फिगर को देखिए। देख लिया आपने, चलिए अब ये जाएगा यहाँ से, अब कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अब आपको आंसर्स करने हैं। फटाफट ये 20 क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आ गया समझ में किस तरह से होता है, आई थिंक इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे चला जाए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आता है मेमोरी टेस्ट सेकेंड टाइप। इसमें क्या है, इसमें आपको एक फिगर दिया जाएगा और साथ में एक नंबर दिया जाएगा। देखिए मेमोरी टेस्ट है मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपकी मेमोरी चेक हो रही है, एक फिगर होगा एक नंबर होगा। अब देखिए, अब आप याद कर लीजिए कौन से नंबर पे कौन सा फिगर है, जैसे आप याद करना चाहते हैं। आप चाहे आप कैसे भी याद करें, आप बोल दीजिए मैंने 28 ग्रेप्स, ये क्या है, ग्रेप्स हैं, अंगूर है, मैंने 28 अंगूर खाए, 93 टॉर्च जलाई, इस तरह से, और 17 बुक्स पढ़ी, इस तरह से आप याद करिए, तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। नंबर और फिगर एक एक वैसे पढ़ेंगे कि 28 ग्रेप्स 75 कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसका तुरंत आप एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए कि मैंने भैया 28 ग्रेप्स खाए, 28 अंगूर खाए, 93 टॉर्च जलाई, 17 बुक्स पढ़ी, और जो 17 बुक्स पढ़ी वो मैंने 64 पॉट में डाल दी। कुछ इस तरह से आप अपनी तरह से जो भी सोच सकते हैं वैसे आप करिए, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, 28 ग्रेप्स खाए, 93 टॉर्च जलाई, 17 बुक्स पढ़ने के बाद उसको 64 पॉट में डाल दिया। पॉट में डालने के बाद ये आपका वो होता है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, फावड़ा। पॉट में डालने के बाद मैंने 75 फावड़े से इसको फेंक दिया, थ्रो कर दिया, जो भी है। उसके बाद मैंने उसको 42 आयरन कर दिया, 42 टाइम्स उसको आयरन कर दिया। कितनी बार फेंका, 75 बार। आई थिंक अब आपको आसानी से याद हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब आया आपके सामने, सबसे पहले क्या था, 28 ग्रेप्स खाए थे, यानी फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर डी। ठीक, इसके बाद आपने क्या किया था, इसके बाद 93 टॉर्च जलाई थी, बी। इसके बाद आपने क्या किया था, इसके बाद आपने 17 बुक्स पढ़ी थी, फोर्थ का आंसर 17। इसके बाद 64 पॉट में फेंकी थी, थर्ड का बी। इसके बाद 75 बार आपने इसको फावड़े से फेंका था, तो इसका आंसर 75। उसके बाद आपने उसको 42 टाइम्स आयरन कर दिया था, बस आंसर आ गया। ये आपका ऑप्शन बी, और ये आपका ऑप्शन सी, और ये भी आपका ऑप्शन सी। हो गया आंसर। टाइम लगा आपको, नहीं लगा, तो ऐसे ही आपको करना है। एक एक नंबर वगैरह याद करेंगे, फिगर देख के बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अपनी छोटी सी कोई शॉर्ट स्टोरी बना दीजिए, जो भी आपको समझ में आए फटाक से आप आंसर कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को पॉज करिए सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के लिए। चलिए अब आंसर करिए। अब समझ में आ गया इसको कैसे करना है। अब आप वैसे ही अपने हिसाब से शॉर्ट स्टोरी बना लीजिए कि मैं इतने टाइम्स कुर्सी पर बैठा, मैंने इतनी बार सीजर चलाई, उसके बाद मैंने इतनी बार चार्जर लगाया, फिर उसके बाद ये कोई बर्ड है, इसको मैंने इतने टाइम्स खाना खिलाया। कुछ भी आप इस तरह का अपने आप सोच सकते हैं। यहाँ पर एक पर्स दिया हुआ है, मैंने पर्स में इतने पैसे रखे, उसके बाद ये आपका जग है, यहाँ पर इस जग में मैंने इतने लीटर पानी भरा। आप जैसे समझ में आए वैसे शॉर्ट स्टोरी बना के फटाक से आंसर कर सकते हैं। आई थिंक अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी याद मत करिएगा इसको, हमेशा शॉर्ट स्टोरी बना दीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड टाइप समझ में आ गया। फर्स्ट टाइप क्या था, बिल्डिंग्स वगैरह दिए जाएंगे, कुछ फिगर्स गायब हो जाएंगे, फिर आपको ढूंढना होगा। सेकंड टाइप में फिगर दिए होंगे, नंबर दिए होंगे, शॉर्ट स्टोरी बना लीजिए, फटाफट याद करिए। और जो फर्स्ट टाइप था उसमें आपको क्या बताया था, कैसे करना है, एक तरह से एक रोड से घुसिए, जहाँ से भी आपको समझ में आए अपने हिसाब से उसको नाम देते जाइए,
कि कुछ भी नाम दे दीजिए और बस आपके लिए आसानी रहेगी। और ध्यान रखिएगा कि वो स्क्वायर के अंदर रखा है कि पेंटागन के अंदर रखा है कि हेक्सागन के अंदर है या रेक्टेंगल के अंदर है, वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो मेमोरी टेस्ट आपका क्लियर, एकदम क्लियर। चलते हैं सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप आता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। अब देखिए, जो मैंने आपको मेमोरी टेस्ट फर्स्ट टाइप कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि फिगर आपको हो सकता है दो तीन ना मिले, हो सकता है बहुत ज़्यादा मिले। सेम चीज़ यहाँ पर है मेमोरी टेस्ट सेकंड टाइप में। अभी यहाँ पर हम आपको जो फिगर दिखा रहे हैं कितने, पाँच या छः, छः हैं, छः इसमें भी थे, छः उसमें भी थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इसके आंसर ज़रूर बताइएगा मैं कमेंट बॉक्स में। अब हो सकता है कि आपको बहुत सारे फिगर्स मिल जाएँ, तब आप क्या करेंगे? तो बहुत सारे फिगर्स के लिए आप नंबर तो याद कर नहीं सकते, बेटर है शॉर्ट स्टोरी बना दें। ये आता है आपके सामने क्वेश्चन। अब ये देखिए, शॉर्ट स्टोरी बना लीजिए, मैं 58 बार एफिल टावर गया, उसके बाद 69 टाइम्स मैं इस प्लेन में बैठा, या जो भी आपका स्पेस है, स्पेसशिप है, इसमें बैठा, 67 टाइम्स मैंने बेल रिंग करी, घंटी बजाई, 44 टाइम्स मैंने बल्ब जलाया, 16 टाइम्स मैंने पंखा चलाया, मैंने किसी को 43 टाइम्स फ़ोन किया। इस तरह से आप याद करेंगे, बहुत जल्दी फटाफट आप शॉर्ट स्टोरी बना देंगे। 39 टाइम्स मैं बस से घूमने गया, या मेरे पास 39 बस हैं, आई हैव 39 बसेस। 24 टाइम्स आई हैव टेकन 24 एयर ट्रिप्स, या मैं फ़्लाइट से गया 24 टाइम्स। इस तरह का आप याद कर सकते हैं, आपको बहुत आसान रहेगा। अगर आप नंबर याद करने बैठेंगे तो कन्फ्यूज़ आ जाएंगे भैया, नहीं कर पाएंगे। बेस्ट तरीका यही है, बेस्ट अप्रोच यही है, शॉर्ट स्टोरी बना दें, फटाफट आप आंसर करेंगे। अब देखिए, दो तरह के यहाँ पर आपको फिगर मिलेंगे। अब एक तो ये वाला भी प्लेन बना हुआ है, एक ये भी बना हुआ है, स्पेसशिप, स्पेस शटल जिसको बोलते हैं, एक ये भी बना हुआ है। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि मैंने यहाँ पर 24 टाइम्स फ्लाइट ली, पता चला आप इसमें 24 लिखा है, तो कन्फ्यूज़ मत होइए। तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि एक ही चीज़ है, तो इसको बोल दीजिए मैं 24 टाइम्स ब्लू प्लेन से गया, 52 टाइम्स ब्लैक प्लेन से गया, काम ख़त्म, याद हो गया। अब ये आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, आपको फटाफट आंसर करना है। अब आप दो मिनट में मैक्सिमम, मुझे लगता है ये 20 क्वेश्चन आप दो मिनट में कर देंगे अगर आपने शॉर्ट स्टोरी बना दी। तो ठीक है, समझ में आ गया, जैसे बताया है वैसे ही आपको करना है। अब हम वापस चल रहे हैं उसी स्लाइड पर जो अभी पीछे हमने आपको समझाया है। आप वीडियो को पॉज करिएगा एक मिनट के लिए, या जो भी आपको लगता है डेढ़ मिनट के लिए, अपने मोबाइल में स्टॉपवॉच टाइमर लगा लीजिए, एक मिनट के लिए चलाइए इस वीडियो को, लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, वीडियो को पॉज करिए, एक मिनट तक देखिए। अब आपके सामने आ गया ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के आंसर्स फटाफट हमें दे दीजिए। ठीक है, हो गए आपके प्रैक्टिस, मेमोरी टेस्ट हो गया पूरा, कई सारे फिगर आ जाएंगे तब भी आप कर लेंगे, दो तीन आएंगे तब भी कर लेंगे, पाँच छः आएंगे तब भी कर लेंगे। दूसरा आता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। अब देखिए, इसमें भी दो टाइप हैं। फर्स्ट टाइप, कुछ इस तरह का आपको मैप दिया होगा। ठीक है, मैप में आपसे पूछेगा भैया बताओ आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके राइट में क्या है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके लेफ्ट में क्या है, इस तरह का बना होगा। आप देख सकते हैं आपके सामने फिगर में, और ये यहाँ पर एन लिखा हुआ है, मतलब कि ऊपर का जो डायरेक्शन है नॉर्थ। सभी को पता है कौन कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है अदिति इज इन DEPP स्ट्रीट एंड सी द टाउन हॉल टू हर राइट, वॉट डायरेक्शन इज सी फेसिंग। अदिति DEPP स्ट्रीट पर है और वो देखती है कि जो टाउन हॉल है, ये टाउन हॉल है, उसके राइट साइड में है, तो पूछा है वो किस डायरेक्शन में देख रही है। अब सीधी सी बात है, वो यहाँ पर ऐसे खड़ी होगी, इधर की तरफ देख रही होगी जैसे एरो बना हुआ है, और ये क्या है, ये इसके राइट साइड में ही तो है, राइट साइड में टाउन हॉल पड़ रहा है। भैया आप अपने आप को खड़ा कर लो बिल्कुल ऐसे ही, अपना दाहिना हाथ देख लो, अपना राइट हैंड देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में देख रही है, क्लियर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर कौन सा डायरेक्शन होता है, वेस्ट, वेस्ट में देखेगी, तभी तो उसके राइट साइड में ऊपर जो है नॉर्थ होगा, दाहिनी तरफ नॉर्थ होगा, तो इसका मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में देख रही है। अरे टाउन हॉल जो है ये है कहाँ पर, नॉर्थ में है, मतलब कि इसके राइट में है, राइट साइड किधर होगा। अगर ये चीज़ मान लो ये इधर देख रही है, तो ये दाहिना हाथ तुम्हारा इधर ही तो होगा, अगर ये मान लो इधर देखती तो दाहिना हाथ किधर जाएगा, नीचे जाएगा ना, तो ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन, बस यही इसका आंसर है। अगला देखिए, शी टर्न्स एंड वॉक्स टू द जंक्शन विद मेन स्ट्रीट, शी टर्न्स लेफ्ट एंड प्रोसीड टू ब्लॉक्स बिफोर टर्निंग राइट देन द नेक्स्ट राइट एंड वॉकिंग हाफ अ ब्लॉक, विच लोकेशन इज नियरेस्ट टू हर करेंट पोजिशन। अब देखिए इसमें क्या है, वो बोल रहा है कि वो मेन स्ट्रीट से शी टर्न्स एंड वॉक्स टू द जंक्शन,
यहाँ पर थी, यहाँ से गई घूमी, इसके बाद मेन स्ट्रीट से गई, मेन स्ट्रीट से बोला इसके बाद वो लेफ़्ट टर्न लेती है और दो ब्लॉक तक चलती है बिफोर टर्निंग राइट, अपने दाहिने मुड़ने से पहले दो ब्लॉक चलती। तो एक ब्लॉक तो ये आ गया, देखिए देख रहे हैं आप, एक ब्लॉक आया आपका ये, एक ब्लॉक आया ये, देखिए ये चर्च स्ट्रीट लिखा हुआ है, नाइट स्ट्रीट, ये दो ब्लॉक उसने चले। दो ब्लॉक चलने के बाद बोला है वो दाहिने मुड़ती है, देन द नेक्स्ट राइट, ये राइट ली एंड वॉकिंग हाफ अ ब्लॉक, मतलब कि सिर्फ यहाँ तक चली, आधे ब्लॉक तक चली। तो पूछ रहा है विच लोकेशन इज़ नियरेस्ट टू हर करेंट पोजिशन। अब आपको बताना है कि उसके पास में कौन सी लोकेशन है। ऑप्शंस हैं एम, एम देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर, ये तो हो ही नहीं सकता, गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा है एन, ये आप देखिए यहाँ पर है एन। तीसरा है ऑप्शन आर, आर कहाँ पर है आप देख रहे हैं, ये है आर। और चौथा ऑप्शन पी, पी है यहाँ पर, अब पी तो हो नहीं सकता। अब देखिए आप, अगर वो यहाँ पर है बीच में, तो अब आपको लग रहा होगा यार आर भी सही है और एन भी सही है, क्योंकि दोनों बराबर डिस्टेंस में है, तो कौन सी लोकेशन पास है, जिधर उसका डायरेक्शन है, किधर डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये लोकेशन इसके ज़्यादा पास है। तो करेक्ट आंसर इज़ आर, ध्यान रखिएगा, जिधर लोकेशन होगी, जिधर उसका डायरेक्शन होगा, वही उसका करेक्ट आंसर है। समझ गए, ये आता है फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप देख लीजिए, सेकेंड टाइप में क्या है, ये आपके सामने कुछ इस तरह से कॉलम और रोज में नंबर्स लिखे होंगे, सॉरी अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, आपको बस क्वेश्चंस के आंसर्स करने, दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है विच अल्फ़ाबेट अपीयर्स टू द राइट ऑफ सी इन रो सेकेंड, कौन सा ऐसा अक्षर है जो पंक्ति दो के सी के दाई ओर आता है। तो पंक्ति दो पकड़ लीजिए कौन सी है, ये है सी, कहाँ है, ये है सी, सी के दाहिनी तरफ क्या है भैया, डी है। अब ये आप अपने आप को देखिए यहाँ पर रख के, आपका राइट हैंड किधर है, इधर ही तो है, इधर लेफ्ट होगा, इधर मत कर दीजिएगा बी है, ये गलत हो जाएगा, डायरेक्शन हमेशा ऐसा होता है नॉर्थ, तो इसके राइट साइड क्या होगा, यही तो होगा, तो करेक्ट आंसर पहले का डी। दूसरा क्या कह रहा है, यदि पंक्ति एक और तीन उलट दिए जाएँ, तो पंक्ति दो के सी के नीचे कौन सा अक्षर होगा। एक और तीन उलट दिया जाए मतलब जो तीन वाली पंक्ति है ये चली जाएगी ऊपर और एक वाली पंक्ति ये आ जाएगी नीचे, तो इसका मतलब जो सी के ऊपर होगा वो सी के नीचे आ जाएगा, यानी कि डी कहाँ पर आ जाएगा, सी के नीचे यहाँ पर आ जाएगा। तो पूछा है नीचे कौन सा अक्षर होगा, डी, तो करेक्ट आंसर डी। समझ में आ गया आपको, ये होता है सेकंड टाइप डायरेक्शन टेस्ट में। अब इसमें कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, टोटल 20 क्वेश्चन हैं, दो मैंने करा दिए, 18 क्वेश्चन बचते हैं, इन 18 क्वेश्चन के आपको हमें आंसर्स देने हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं आप फिगर नहीं देख पा रहे हैं, तो आप इस फिगर को चाहे तो कॉपी पे लिख लीजिए या चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस करते जाइए, ठीक है। ये हैं आपके सामने क्वेश्चंस, 10 तक ये हो गए और इसके बाद ये 11 से 20, इन सब के आपको हमें आंसर्स देने हैं, डायरेक्शंस टेस्ट है सेकेंड टाइप, समझ गए। ये तीसरा आता है हमारा डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, इसमें देखिए क्या है, ये हमारा थर्ड टेस्ट है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, कुछ इस तरह के ब्लॉक्स दिए हैं या ब्रिक्स दिए जाएंगे आपको, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ये जो अलग अलग ईंटें हैं या ब्रिक्स हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है ए बी सी और डी, ये कितने कितने ईंटों को छूते हैं, कितने ब्रिक्स को छूते हैं या कितने ब्लॉक्स को छूते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ए ब्लॉक की, देखिए सबसे पहले ए ब्लॉक देखिए किसको किसको टच कर रहा है, एक तो ये जो डी वाला ब्रिक है ये पूरा पीछे तक गया है, ए के नीचे लेटा होगा, ऐसे ई वाला होगा, तो इसका मतलब ए के आगे आपको लिखना है दो, यानी कि दो ब्लॉक को टच कर रहा है। दूसरा आ जाइए बी, बी देखिए कितने ब्लॉक को टच कर रहा है, अब देखिए आप बगल में सी है और ऊपर डी है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, गलती मत करिएगा, ये तीन ब्लॉक को टच कर रहा है। कैसे तीन ब्लॉक को टच कर रहा है, एक तो आपको हो गया सी, इसको टच कर रहा है बगल वाले, एक हो गया डी, अब ये जो आपका बी वाला जो ब्लॉक है, जो बी वाला ब्रिक है या ईंटा है, ये पूरा कहाँ तक गया, पूरा पीछे तक गया होगा जहाँ तक ए है, पूरा यहाँ तक बना होगा ना, यही तो होगा, पूरा पीछे तक गया होगा, तो इसका मतलब ये डी वाले को भी ऊपर टच करेगा यहाँ तक और इसके साथ साथ ई वाले को भी टच करेगा, तो बी कितने ब्लॉक को टच कर रहा है, तीन। अगला सी देख लेते हैं, सी वाला भी सेम बिल्कुल वैसा ही है, देखिए अब सी को देख लीजिए आप समझ जाएंगे, तो बी भी आप समझ जाएंगे। सी देखिए किसको टच कर रहा है, बी को टच कर रहा है,
तो एक तो ये हो गया, दूसरा देखिए डी को टच कर रहा है और तीसरा देखिए ई को। सेम यही केस है बी का, बी भी ऐसे ही पूरा पीछे तक गया होगा, डी और ई को टच कर रहा होगा और सी को कर रहा होगा। सी वाले में क्या है, ये बी को टच कर रहा है और डी और ई को भी कर रहा है। तो भैया इसके हो गए तीन। आगे आ जाइए डी वाले में, देख लीजिए डी किसको टच कर रहा है, देखिए नीचे किसको टच कर रहा है, बी को टच कर रहा है, सी को टच कर रहा है, ऊपर किसको कर रहा है, ए को कर रहा है, और बगल में किसको कर रहा है, ई को कर रहा है। तो इसका मतलब कितने ब्लॉक को टच कर रहा है, ये कर रहा है फोर ब्लॉक्स को टच, ई को भी कर रहा है, बी और सी को भी कर रहा है, ऊपर ए को भी कर रहा है। अब आ जाइए ई वाले में, ई में देखिए डी को टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ए को कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, नीचे को इसको कर रहा होगा, बी और सी को, बिकॉज ये पूरा पीछे तक गया है, तो यहाँ इतने पोर्शन में तो उसने टच किया है नीचे की तरफ सी को, और जो पीछे वाला ऐसे इस तरह से पूरा पीछे आएगा यहाँ पर टच करेगा वो बी को। तो इसका भी करेक्ट आंसर है फोर। समझ में आ गया, ये होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके आंसर्स आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये है आपके सामने, देखिए ब्लॉक्स बने हुए हैं, ब्रिक्स बने हुए हैं, आपके सामने ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, मतलब आपको बताना है ए कितने ब्लॉक को टच कर रहा है, आपको उसके आगे सिर्फ नंबर लिखने हैं। अगर एक ब्लॉक को टच कर रहा है तो यहाँ पर एक लिख दीजिए, दो ब्लॉक को टच कर रहा है तो दो लिख दीजिए, तीन ब्लॉक को टच कर रहा है तो तीन लिख दीजिए। बस ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट हो गया, इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला आता है कंसंट्रेशन टेस्ट फर्स्ट टाइप, ये पहला टाइप है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, क्या करना है, बोला गया है दिस इज द टेस्ट टू फाइंड आउट हाउ क्विकली यू कैन कंपेयर टू नंबर्स एंड डिसाइड वेदर और नॉट दे आर द सेम। मतलब कि कंसंट्रेट आप कैसे करते हैं, सिर्फ ये चीज़ चेक की जाती है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि भैया इधर जो नंबर्स लिखे हैं और राइट साइड में जो नंबर्स लिखे हैं, अगर ये सेम है तो उसके आगे आपको लिखना है वाई, या जिसको बोले यस, और अगर नहीं है तो उसके आगे लिखना है नो। तो पहला क्वेश्चन देखिए 589 इज इक्वल टू 589 वाई, दूसरा देखिए 2768 इज इक्वल टू क्या हो गया 2786, बदल गए नंबर। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है अरे ये तो एक जैसा लिखा हुआ है तो आपने भी वाई कर दिया, नहीं भैया गलत है। अगला देखो 3463 इज इक्वल टू 3462, नो 712963, 712963 यस। आप क्या करिएगा, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको करने के लिए आपको बोल कर करना होगा। अगर आपने सिर्फ फिगर देखा, दूर से नंबर देखा कि हाँ हाँ ये सही है, मार दिया गलत, नहीं भैया नंबर बोलो 487562, 487562 है क्या, 562 नहीं है भैया, 652 है, तुरंत मारो नो, ठीक। चलो अब हम आपको देते हैं इसके क्वेश्चंस, आपको हमें देने आंसर्स कमेंट बॉक्स में। समझ में तो आ गया ना क्या करना, बहुत आसान है, सिर्फ नंबर्स देखने हैं, एग्जैक्ट है, मैच कर रहा है तो वाई लिखना है, नहीं कर रहा है तो नो लिखना है। ये रहे आपके सामने 20 क्वेश्चंस, इन 20 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और देखिए प्रॉपर वाइज आंसर्स करिएगा, लिखिएगा उसमें कंसंट्रेशन टेस्ट फर्स्ट टाइप आंसर्स, और एक से लेकर 20 तक जो भी आपके आंसर आ रहे हैं आप वो ए बी या जो भी है वाई नो वाई नो आप आंसर लिखते जाइएगा, ठीक। समझ गए, ये 20 क्वेश्चन है, इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आता है कंसंट्रेशन टेस्ट सेकेंड टाइप, इसमें देखिए क्या है। इन दिस टेस्ट यू विल फाइंड आउट फोर ग्रुप्स ए बी सी डी, ए बी सी डी चार ग्रुप बने हुए हैं, आपको क्या करना, योर टास्क इज टू फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ डिजिट्स विच कंटेन सिक्स, इन केस सिक्स डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस योर आंसर विल बी ई। क्या करना है आपको, आपको यह पता करना है कि किस अंक समूह में 6 का अंक आया है। यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक अंक समूह में 6 आता है तो आपका उत्तर ई होगा। अब पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ये चार ब्लॉक दिए गए हैं आपको, जो चार ग्रुप हैं ए बी सी डी ये दिए गए हैं, आपको बताना भैया 6 कहाँ पर आ रहा है। 6 देखिए आपने इसमें देखा है, नहीं है इसमें, देखिए मिल गया आपको बी, तो बस जैसे ही जिस में भी जिस ग्रुप में पहले मिला फटाक से आंसर बी, सी में नहीं है, डी में भी नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जो मैंने आपके सामने इसको ब्लॉक के अंदर कर दिया है, ए में देखिए 6 है, नहीं है, बी में देखिए है, सी में देखिए है, मिल गया ना, बस जहाँ जैसे जब से सबसे पहले जहाँ मिला बस उसको आंसर मारिए। अगला देखिए तीसरे में देखिए, लो भैया यहीं शुरुआत में मिल गया, ए में ही मिल गया, तो इसका आंसर ए। अगले में देखो कहीं मिल रहा है, कहीं मिल रहा है, लो भैया यहाँ मिला डी वाले में, इसका आंसर डी। इसके बाद देखो इसमें देखो यहाँ मिली, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ मिला पहले में, जैसे आपको यहाँ पर पहले में मिला था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ऐसा मत कर देना कि पूरा छोड़ दो, आगे देख लेना भैया कहीं और तो नहीं है। अब देखो इसमें दे दिया इन्होंने, ठीक है, अब यहाँ पर दो जगह दे दिया, तो जो शुरुआत में मिले उसको ज़रूर चेक करना, क्योंकि ये
इस तरह की गलती बच्चे करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि पहला ही ऑप्शन दिया जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन आपने देखा, आप जल्दीबाजी में आपने तुरंत मारा ए। नहीं भैया, जहाँ पर भी अगर आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़ना, तो समझ जाओ ए में भी है सी में भी है, मतलब दो बार मिल गया तो आंसर हमें क्या करना है, ई। ठीक है, समझ गए। अब इसके हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चंस, आपको हमें उसके आंसर्स बताने हैं। ये रहे आपके सामने 20 क्वेश्चंस। इस 20 क्वेश्चन में वही करना है आपको, जहाँ पर ए मिला सिक्स मिला आंसर मार दीजिए, जिस ग्रुप में मिला सबसे पहले वहाँ मार दीजिए उस ग्रुप का नाम, और अगर एक से ज़्यादा बार मिल जाता है तो आपको आंसर देना है ई। अब पहला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, देखिए चेक करिए 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 करिए, यहाँ मिल गया आपको सिक्स, मिल गया ना, तो बस पहले का आंसर हो गया सी। ऐसे ही आपको आंसर हमें देने हैं, और लिखिएगा ज़रूर कमेंट में कंसंट्रेशन टेस्ट सेकेंड टाइप आंसर्स, और उसके बाद आंसर्स मारिएगा। नहीं ऐसे मुझे समझ में नहीं आएगा कौन सा आंसर है क्या है। ठीक है, आ गया समझ में, ये हो गया कंसंट्रेशन टेस्ट सेकेंड टाइप। नाउ कम टू द कंसंट्रेशन टेस्ट थर्ड टाइप। ये क्या है, यहाँ पर आपको इस पांच ऐसे ग्रुप दिए होंगे, आपको सिर्फ ये बताना है भैया इन पांचों ग्रुप में कौन सा ग्रुप डिफरेंट है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब आप, यही होता है कंसंट्रेशन टेस्ट, कितना आपका कंसंट्रेशन है, कितनी जल्दी आंसर आप कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, ये देखिए इस तरह का फिगर बना हुआ है, यहाँ पर भी सही 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 है। अगला फिगर आ जाइए, ट्रायंगल ट्रायंगल, उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, सब जगह भी मिल रहा है, सही है। तीसरे में आइए, सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर हेक्स पेंटागन, सर्कल, अब देखिए यहाँ बदल गया, यहाँ पर ट्रायंगल दिया था, यहाँ पर क्या है, क्या दिया, ये पेंटागन चेंज हो गया ना, इसका मतलब बस यही आंसर है, बाकी सब में देखिए वही सेम होगा, ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, बस यही इसका आंसर है बी। यानी कि ये जो ग्रुप है, या जो बोल सकते हैं ये जो फिगर है, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बी जो है ए सी डी ई एफ से डिफरेंट है। टोटल कितने यहाँ पर फिगर हैं, छः में से आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है। अब इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये क्वेश्चन नंबर वन था, ये क्वेश्चन नंबर टू, कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, कंसंट्रेशन टेस्ट हो गया, आगे आते हैं परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, ये है हमारा पांचवा टाइप, चार टाइप हमने आपको बता दिया, पांचवा टाइप पे आ जाते हैं। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, या जिसको बोलते हैं मैचिंग स्पीड टेस्ट, एक तरह से आपने अगर बचपन में कुछ इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे आप, जो कॉमिक्स आती थी, या हमारे पास चंपक नंदन इस तरह की बुक्स वगैरह आती थी, अगर आपने पढ़ी होंगी तो वहाँ पर क्या होता था, इस फिगर को मिलाना होता था। अगर आपने किया पढ़ा होगा आपको ज़रूर मालूम होगा, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है, बस ये देखा जाता है कितनी जल्दी आप करेक्ट मैच करते हैं। अब देखिए ये दिया है फर्स्ट का ए, कहाँ मिल रहा, कहीं दिख रहा भैया, ये दिख रहा है बस, तो इसके आगे लिख दो भैया ई। सेकंड देखो, ऐसा फिगर कहाँ दिख रहा है, ये दिखा, तो इसके आगे लिख दो डी। ये वाला कहाँ मिल रहा है, ये वाला कहाँ मिल रहा है, ये वाला हमें मिल रहा है यहाँ पर, तो इसके आगे लिखो ई। और ये कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पर, तो इसके आगे बी। बस ये जल्दी जल्दी आपको आंसर्स करने, यही होता है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, या जिसको बोलते हैं मैचिंग स्पीड टेस्ट। तो ये है भैया पूरा साइकोमेट्रिक टेस्ट, पूरी कहानी आई थिंक आपको अब समझ में आ गई होगी, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है, जो आपके अंदर हवा बना हुआ था, डर बना हुआ था, वो सब खत्म हो गया होगा, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट। बस अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स ज़रूर, आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में नहीं टाइप करने, मत करो, आपको मुझे आंसर नहीं देने आप मत दो, लेकिन भैया प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना बस, और मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपसे। ठीक है, और अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में गड़बड़ी है, कहीं कुछ फिगर गलत है, या कुछ आंसर मैच नहीं हो रहा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करिए, सिलेक्शन लाइए, बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।